ओम ज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञान जना श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाष्यादिदे सतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथा अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था भगवान कृष्ण जो अर्जुन का ये जो सो कॉल्ड कंपैशन है, मटेरियल कंपैशन, ये जो भौतिक दया है, भगवान इसको अर्जुन बड़ा बहुत बड़ा बड़ा मान के कर रहा है। और संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो अर्जुन के इस सो कॉल्ड कंपैशन को बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस सो कॉल्ड कंपैशन को, जो तथा कथित दया है, कृपा है, भगवान इसको क्या बोल रहे हैं, ये हृदय की दुर्बलता है ना, और एक शूद्रम यानी महत्वहीन इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट है। तो दैट इज व्हाई यू शुड गिव अप दिस इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट। ये दुनिया ये जो है निम्न स्तर का, ये हृदय की दुर्बलता को त्याग देना चाहिए और उठ के अपने एक्चुअल पोजिशन में खड़ा सिचुएट करके अपने आप को फाइट करना चाहिए। ये हमने कल चर्चा किया था, उसे आपने बताया कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन ये तुम्हारे हृदय की ये महत्वहीन निम्न स्तर की हृदय की दुर्बलता है। ये हृदय की दुर्बलता है क्या? भगवान हृदय की वीकनेस ऑफ हार्ट बोल रहे हैं। व्हाट इज दैट वीकनेस ऑफ हार्ट? हृदय की दुर्बलता क्या है? कौन बताए? तो भगवान बोल रहे हैं हृदय की दुर्बलता क्या है? देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर समझने के कारण अर्जुन को जो आसक्ति डेवलप किया है, वो जो देहात्म बुद्धि है वही हृदय की दुर्बलता है, और ये इनसिग्निफिकेंट है। भगवान इसलिए यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट को, यानी देहात्म बुद्धि को छोड़ो और अपने आप को प्रॉपरली सिचुएट करके, आत्मा के स्तर पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सिचुएट करके युद्ध करो। अब लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग अगला श्लोक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि भगवान ये जो वीकनेस ऑफ हार्ट है, यानी देहात्म बुद्धि का जो ये वीकनेस है अर्जुन के हृदय में, इसको क्षुद्रम, क्षुद्रम मतलब इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वहीन बोल रहे हैं। इसलिए महत्वहीन बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्चुअल पोजिशन है, हम कृष्ण के अंश हैं, हम सुपीरियर हैं, है ना, और अपने आप को, लेकिन ये शरीर समझने के कारण ये छोटे छोटे आसक्ति में हम फंस गए हैं और इसलिए ये इनसिग्निफिकेंट है। इट डज नॉट बिफिट, इसलिए यहाँ पे दूसरे लाइन भगवान बोल रहे हैं ना, ये तो ही उपपद्यते, ये तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। क्यों शोभा नहीं देता है? जैसे कि माता जी ने बताया, क्योंकि हम भगवान के नित्य सनातन सच्चिदानंद अंश हैं और ये भौतिक प्रकृति भगवान की जो है इंफीरियर नेचर है, यानी निम्न स्तर की ऊर्जा है। तो इसलिए इसको, इससे आइडेंटिफाई करके, इसके सुख के ही पीछे जो ऐसी से आसक्ति बनाना, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट। इस प्रकार से अब ये चौथा श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला जा रहा है। तो पिछले 2 श्लोकों में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा सा डांटा, चेस्टाइज किया और एक तो गाली भी दे दी, है ना, क्लैब्यम मस गमा पार्थ। क्लैब्यम मतलब अर्जुन को भगवान बोल दिया, नपुंसक की तरह मत बन, युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो। और इस प्रकार से भगवान जो है बोले, तब अर्जुन जो है थोड़ा सा हिल गया। अब हिलने के बाद अभी भी अर्जुन के मन में वो तो बना ही हुआ है, आसक्ति बना हुआ है और सब कुछ है, देहात बुद्धि है, अभी भी वो कंपैशन, सो कॉल्ड कंपैशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अब अर्जुन इन आगे आने वाले 3 श्लोकों में, 4, 5 और 6, इन 3 श्लोकों में 2 और रीजन बताएगा ना कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। तो पहला रीजन है ये, 4 और 5 श्लोक में, 2 श्लोकों में ये एक रीजन बताएगा। अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाराव अरिसूदन। ट्रांसलेशन, अर्जुन सेड, ओ किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई काउंटरैक्ट विद एरोज इन बैटल मैन लाइक भीष्म एंड द्रोणा हु आर वर्दी ऑफ माय वर्शिप। ये 5वां रीजन जो है, ये सबसे बड़ा रीजन है बोल सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है सराहनीय है भौतिकवादी लोगों के द्वारा, और लॉजिकल है, रीजनेबल है और सदाचार एटिकेट को पालन करता है, मॉरल प्रिंसिपल को भी पालन करता है, नैतिक चीजों को भी ध्यान में रखते हुए होता है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि हे भगवान, हे अरिसूदन, अरिसूदन मतलब
अरी मतलब शत्रु, ए शत्रुओं के दमन करता, एरो किलर ऑफ एनिमीज। एंड दूसरा नाम क्या ले रहा है अर्जुन? मधुसूदन, माना हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, आप तो मधु नामक जो राग, मधु तो राक्षस था और हरि यानी शत्रुओं के आप दमन करता है, लेकिन मेरे सामने कौन लोग खड़े हैं? प्रथम भीष्म हम सबके, द्रोणम चा, भीष्म एंड द्रोण, भीष्म और द्रोण, भीष्म द्रोण कौन है? मैं किस प्रकार से भीष्म और द्रोणाचार्य को हम संखे, संखे मतलब इस युद्ध में इशु भी प्रतियोत्स्यामी, अपने इन बाणों से उनके ऊपर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? क्यों पूजा राव हरिसूदना, हे हरिसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, ये सब तो मेरे पूजनीय है, वर्शिपेबल है, इनको तो मुझे अर्पण करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प अर्पण करने के योग्य है, इनका पूजा करने के योग्य है, लेकिन मैं इनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा कैसे कर सकता हूँ? इस प्रकार से ये रीजन दे रहे हैं कि भले ही कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, भले ही वो जो सुपीरियर होते हैं, जो गुरु होते हैं और जो पिता पितामह के हैं, तो भले ही किसी कारणवश हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, हमको डांट दें, कई बार मार भी दें, कई बार जीवन भी क्यों ना ले लें, हमको तो तैयार रहना चाहिए अपना जीवन भी न्योछावर करने के लिए, लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उनका हम वध कैसे कर सकते हैं, और वो भी इस राज्य को प्राप्त करने के लिए? क्योंकि अभी जो अर्जुन का मानसिकता है, कॉन्शियसनेस है, देहात बुद्धि में होने कारण अर्जुन ये सोच रहा है कि इस राज्य, इस युद्ध को मुझे करना है ताकि हम पंच पांडव जो है चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, हमको राज्य मिल जाए। तो अर्जुन बोल रहा है कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारा ही राज्य है, हम लोग सही हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है और ये अत्याचार करने वालों का साथ दे रहे हैं भीष्म द्रोणा, तो भले ही वो बुरे हैं, गलत हैं, गलत धर्म, गलत जगह जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने राज्य के सुख को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा हमारे ऊपर जो उपकार किए गए, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे लॉजिक दे रहा है कि इसलिए वो हमारे हमेशा वर्शिपेबल है, पूजनीय है, तो हम उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सकते हैं? तो ये जो है नैतिक शास्त्र है, ये धर्म शास्त्र है, जो भौतिक स्तर के जो शास्त्र होते हैं उनमें ये जो सिद्ध प्रिंसिपल होता है उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही सही बोल रहा है अर्जुन। लेकिन आगे जब भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान देंगे तो इस रीजन को भी, ये जो कारण अर्जुन दे रहे हैं पांचवा, इसको भी काटेंगे भगवान, और हायर प्रिंसिपल जो उच्च धर्म शास्त्र है, जिसको भक्ति शास्त्र बोलते हैं, भक्ति शास्त्र अर्थशास्त्र होते हैं, धर्म शास्त्र होते हैं, फिर भक्ति के शास्त्र होते हैं, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, तो अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र से ऊपर जो है धर्म शास्त्र होते हैं। तो अर्जुन जो सोच रहा है कि इस युद्ध को करने से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो उस आर्थिक व्यवस्था को जो है अर्जुन समझौता करने को तैयार है, ऑन द बेसिस फॉर द सेक ऑफ धर्म शास्त्र, यानी धर्म की स्थापना करने, भौतिक धर्म की स्थापना करने के लिए, भौतिक मोरल प्रिंसिपल, जो मटेरियल मोरल प्रिंसिपल होते हैं कि गुरु का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, गुरु को हमेशा पूजना चाहिए, गुरु मतलब जो टीचर होते, शिक्षक होते हैं वो भी गुरु हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं, जैसे भीष्म पितामह यहाँ पे हैं, वो तो पितामह हैं साक्षात, उन्होंने उनको पांडवों का पालन पोषण किया, सब कुछ किया है, और अभी इस समय आके वो भले ही हमारे विरोध में खड़े हैं तो भी हमको उनके इस व्यवहार को नहीं देखना चाहिए, उनके द्वारा किए गए अनेकों अनेकों जो उपकार हैं उसका हमारे ऊपर ऋण है, इस प्रकार से द्रोणाचार्य के प्रति भी हमारा ऋण है, भीष्म पितामह के प्रति भी हमारा ऋण है, तो भले ही वो हमारे ऊपर अभी प्रहार करने को तैयार है, हमको उनको नहीं मारना चाहिए, इस प्रकार से ये बहुत ही पावरफुल जो है लॉजिक अर्थ दे रहा है श्रील प्रभुपाद जी, परपोट में लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेबल सुपीरियर्स लाइक भीष्म द ग्रैंड फादर एंड द्रोणाचार्य द टीचर आर ऑलवेज वर्शिपेबल, इवन इफ दे अटैक दे शुड नॉट बी काउंटर अटैक, इट इज जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन अ वर्बल फाइट, वाचिक रूप से वो अपनी वाणी से भी उनके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, यानी अगर कभी हम देखें कि कोई सुपीरियर है हमारा, गुरु वर्ग का है, भले ही मान लीजिए वो भौतिकवादी हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी दे डिजर्व आवर रिस्पेक्ट, एक ये प्रिंसिपल यहाँ पे अर्जुन प्रेजेंट कर रहा है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज, हालांकि प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु भगवान नारायण को समर्पित थे पूर्ण रूप से, और उनके गुरु कौन थे, किसको गुरु के रूप में स्वीकार किया था उन्होंने, नारद मुनि को, ना गुरु स्वीकार करना मतलब कि जिनको आपने गुरु बनाया है तो उनके ही आदेशों के अनुसार जीवन यापन करना है, तो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु का जो गुरुकुल था संड अमर शुक्राचार्य, इनको अपना गुरु नहीं देखते थे, गुरु तो नारद मुनि ही थे,
और हमेशा नारद मुनि के ही जो आदेश इंस्ट्रक्शन है उन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी भी जो अपने पिता हिरण्यकश्यप हैं या जो संत अमर हैं शुक्राचार्य हैं इनको कभी वो अपमानजनक शब्दों से नहीं बोलते थे। लेकिन इनके द्वारा जो भक्ति विरोधी चीजें हैं उनके आदेशों का पालन भी नहीं करते, तो इस प्रकार से सामंजस्य जो है एक शुद्ध भक्त बना पाता है। लेकिन अर्जुन की स्थिति अभी अलग है। अर्जुन जो है यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहा है कि इस युद्ध को क्यों करना है। ये युद्ध जो करना है मुझे, ये ना केवल एक कोई साधारण धर्म युद्ध है बल्कि ये जो है साक्षात भगवान कृष्ण की योजना से कराया जा रहा है। इसलिए ये भगवान का भक्ति योग है, शुद्ध भक्ति योग है, जिसमें हर प्रकार का सेक्रीफाइस करने के लिए व्यक्ति को तैयार हो जाना चाहिए। ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अभी अर्जुन का, इस बात का अज्ञानता है अभी अर्जुन का। अभी अर्जुन के लिए कैसा है, देहात बुद्धि में रहने कारण अभी अर्जुन के लिए ये युद्ध क्या है, केवल केवल और केवल ये है कि किस प्रकार से हमको हमारा हक प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त हो जाए, ये अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए अर्जुन इस प्रकार से अपने राज्य को त्याग करने के लिए तैयार है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस मॉरल प्रिंसिपल, यानी जो धर्म शास्त्र के जो प्रिंसिपल है उसको ज्यादा वेटेज दे रहा है अपने खुद के राज्य सुख से। इसलिए अर्जुन यहाँ पे मना कर रहा है। इवन इफ दे आर समटाइम्स हार्श इन बिहेवियर दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड, देन हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अर्जुना टू काउंटरैक्ट देम। वुड कृष्णा एवर अटैक हिज ओन ग्रैंडफादर उग्रसेन और हिज टीचर सांदीपनि मुनि? These were some of the arguments offered by Arjuna to Krishna. इस श्लोक में जब अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहा है तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि आप तो मधुसूदन हैं, आप द्रोणसूदन नहीं हैं, आप सॉरी आप सांदीपनि सूदन नहीं है ना, आप उग्रसेन सूदन नहीं है, आप तो मधुसूदन हरिसूदन है, तो मुझे फिर क्यों द्रोणसूदन और भीष्मसूदन आप बना रहे हैं? इस प्रकार से अर्जुन इस यहाँ पे लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है। ये चौथे श्लोक में अर्जुन ने ऐसा बोला और फिर इसी को थोड़ा और विस्तार से अर्जुन पांचवें श्लोक में सेम उसी रीजन को और ज्यादा कन्विंस करने के लिए कृष्ण को इस श्लोक में पांच नंबर श्लोक में बोल रहा है। गुरु नहत्वा हि महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामां सुगुरु निहैवा भुञ्ची यभोगान तीर्थदिग्धान। ट्रांसलेशन: इट वुड बी बेटर to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. इस प्रकार से अर्जुन जो है यहाँ पे अपना फाइनल कंक्लूजन दे रहा है कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान, ये जो गुरुन है, गुरुन शब्द प्लूरल है, प्लूरल मतलब मोर देन वन सुपीरियर, द्रोणाचार्य भीष्म ये सब सुपीरियर है, तो ऐसे सुपीरियर्स का हत्या करना, हत्वा अहत्वा किलिंग जो है वो बिल्कुल भी श्रेय नहीं है इन गुरु वर्ग को, जो कि कौन है, महानुभावान। नॉट ओनली दैट, अर्जुन बोल रहा है ना केवल ये जो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह है, ना केवल ये गुरु वर्ग है, गुरु का मतलब होता है जैसे बताया, गुरु मतलब जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, जो सिखाते हैं वो गुरु कहलाते हैं। तो गुरु तो एक जो मटेरियल एजुकेशन थे, स्पिरिचुअल एजुकेशन थे, दोनों ही गुरु कहलाते हैं। और साथ ही साथ में जो वयोवृद्ध होते हैं, जो बड़े होते हैं हमसे, वो भी गुरु गुरु ही कहलाते हैं। इस प्रकार से भीष्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और अन्य जो बड़े काम पे वयोवृद्ध लोग हैं, इन सबको गुरु के रूप में अर्जुन देख रहा है। इसलिए गुरु गुरु मतलब द सुपीरियर्स, द सीनियर्स हैं, बाय एज, बाय एक्सपर्टाइज, बाय एक्सपीरियंस और हर मामले में जो सुपीरियर है उनको मारना। और साथ ही साथ में ना केवल ये सुपीरियर है बल्कि कौन है ये सब, महानुभावान, दे आर ग्रेट सोल्स। भीष्म पितामह के बारे में पता है कि भीष्म पितामह ने अपने खुद के सुख को त्याग करके अपने पिता के लिए, यानी भीष्म पितामह एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो मानो अर्जुन यहाँ पे भीष्म पितामह को महानुभावान करके संबोधित कर रहा है, बोल रहा है कि ये जो साधारण, केवल ये साधारण सुपीरियर नहीं है। एक तो अगर कोई साधारण तरीके से भी सुपीरियर होता है, जस्ट बाय एज, बाय रिलेशनशिप भी अगर कोई हमसे सुपीरियर है, गुरु है, उसका भी हत्या नहीं करना चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। और यहाँ पे तो जो सुपीरियर को आप मेरे को मारने को बोल रहे हो वो कौन है, वो तो महानुभावान है। महानुभावान मतलब दे आर देमसेल्फ ग्रेट सोल्स, उन्होंने भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई किया है ना। भीष्म पितामह महानुभावान कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के सुख के
लिए अपना खुद का भौतिक सुख त्याग दिया, खुद जी आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं किए। क्योंकि ये सब मेरे ख्याल से आप सभी भक्तों को ये कथा तो मालूम होगा कि किस प्रकार से जब शांतनु महाराज एक लड़की के पीछे आसक्त हो गए थे, मछुआरे की बेटी थी, क्या नाम था उनका, शांतनु महाराज नाम बोल रहा है, मत्स्यगंधा पहले नाम था, फिर बाद में उनका नाम चेंज हुआ, अभी नाम जस्ट दिमाग निकल रहा है। तो उनके पीछे आकर्षित हुए, तो जो मछुआरा था उन्होंने ये शर्त रख दिया था कि भाई आप मेरी बेटी से विवाह करोगे लेकिन आपका तो ऑलरेडी पुत्र है, तो फिर वो राजा बन जाएगा। तो भीष्म पितामह ने बोला कि मैं वचन देता हूँ मैं राजा नहीं बनूंगा, आप आपकी पुत्री का विवाह करवा दीजिए मेरे पिताजी से। लेकिन वो बोले कि तुम राजा नहीं बनोगे लेकिन कल को पहले तुम्हारा विवाह होगा, फिर तुम्हारा पहला पुत्र आएगा तो वो राजा बन जाएगा। तो भीष्म पितामह बोले कि मैं वचन देता हूँ मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो पुत्र ही नहीं होगा। इस प्रकार से भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे अपने अपने गुरु के सुख के लिए, गुरु मतलब उनके पिता उनके गुरु है, तो उनके सुख के हेतु जैसे ऐसे महानुभावान यहाँ पे सामने खड़े हैं, तो जिन्होंने इस प्रकार से इन सिद्धांतों का पालन किया, तो मैं उनका हत्या अपने सुख की प्राप्ति के लिए मैं उनका हत्या कैसे कर सकता हूँ, बल्कि उनके उनको सुख देने के लिए मुझे अपना जीवन निश्चर कर देना चाहिए। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य जिन्होंने मेरे को पूरा ये मिलिट्री ट्रेनिंग दिया है, दिन रात मुझे सिखाया है सब कुछ, मैं आज जिस युद्ध विद्या का इस्तेमाल करके मैं उनका वध करने वाला हूँ, तो वो विद्या उन्होंने ही मुझे सिखाया है, तो आप कैसे मतलब बोल सकते हैं कि मैं उनका वध करूं। इस प्रकार से अर्जुन बोला गुरु नहत्वा ही महानुभावान, इससे ज्यादा अच्छा तो होगा श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके, इससे सब इससे ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि मैं ये जीवन जो है भिखारी बन के भिक्षा मांग मांग के जी लूं, वो ज्यादा सही इस जगत में। अपि लोके हत्वार्थ कामांश गुरु निहैवा, हत्वार्थ कामांश गुरु निहैव्या इहैवा, मतलब हत्वा अर्थ कामान, यानी अर्जुन बार ये इस शब्द से हम देख सकते हैं कि अर्जुन का यहाँ पे क्या कॉन्शियसनेस है, कि अर्जुन यहाँ पे युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहता है। अर्जुन सोच रहा है अर्थ कामान कि अगर मैं इस युद्ध को लड़ता हूँ इन महानुभावान लोगों को मारता हूँ तो इसके पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं कुछ सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थ कामान, डिजायरिंग फॉर द वर्ल्डली गेन्स, इन गुरुओं को मैं मारने के लिए अगर प्रेरित हो जाऊं तो ये उसी प्रकार से होगा जैसे भुंजी भोगान रुधिर प्रतिग्धान, रुधिर प्रतिग्धान मतलब खून से सना हुआ कोई भोग अगर आपके पास खाने का पदार्थ ला दिया जाए तो कितना भी सुंदर क्यों ना हो वो उसका जो है गुणवत्ता खत्म हो जाती है, वो पाप बन जाता है, भुंजी भोगान। इस प्रकार से अर्जुन देख रहा है, तो उसी प्रकार से अगर मैं ये युद्ध करता हूँ तो पहली बात तो ये पूरी तरह से अनुचित है कि मैं अपने राज्य सुख के लिए अपने महान महानुभावान गुरुवर को मारने के लिए तत्पर हो गया हूँ, और अगर मैं ये राज्य सुख प्राप्त कर भी लेता हूँ तो उसका जो सुख भोग है वास्तव में मुझे सुख नहीं देगा भगवान, ऐसा बोल रहा है अर्जुन, कि मुझे सुख प्राप्त होगा ही नहीं क्योंकि दैट हैप्पीनेस विल बी टेंटेड विद ब्लड, वो इन महानुभावान यानी इन गुरुवर्ग द्रोण भीष्म कृपाचार्य इन सब के खून से सना हुआ हैप्पीनेस सुख होगा। जैसे ही मैं इस राज्य को जब राज्य करने के लिए उतरूंगा तो तुरंत मुझे याद आएगा कि इस राज्य को मैंने प्राप्त किया है अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को, अपने ही पितामह भीष्म पितामह को मार के प्राप्त किया। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से ये चेतना है अर्जुन की, और ये बहुत बिल्कुल सत्य बात है, अर्जुन जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। एक भक्त होने के नाते अर्जुन के हृदय में ये सब जो विचार प्रकट हो रहे हैं ये बिल्कुल उचित विचार है, और यही विचार जो है अर्जुन के यही जो भाव अर्जुन का ये योग्यता बनाता है कि अर्जुन क्वालिफाइड होता है, योग्य बन पाता है भगवान कृष्ण का गीता को उपदेश ग्रहण प्राप्त करने के लिए, और यही कारण है कि अर्जुन जो है भक्तों भक्तों असी में सखा चेती, भगवान का भक्त बनता है और सखा बनता है। लेकिन ये जो अर्जुन का ये सदगुण है ये भी यहाँ पे गलत प्लेटफॉर्म में है ना, भौतिक मटेरियल प्लेटफॉर्म में भौतिक स्तर में प्रदर्शित होने के कारण भी क्या हो जा रहा है, अर्जुन को संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे हमको एक शिक्षा मिलती है, बहुत विशेष बात यहाँ पे मिलती है शिक्षा, कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में उसके इंटेंशन उद्देश्य बिल्कुल सही है और वो सच्चा अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है जो हर प्रकार से नैतिक जो शास्त्र सिद्धांत उनका पालन करता है, जो कि अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहता है, सबसे उसके सारे इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन इस सबके बावजूद भी अगर वो मटेरियल प्लेटफॉर्म में है यानी कि देहात बुद्धि में है और वो इस प्रकार से मोह में रह के डिसीजन लेता है
कार्य करता है तो निश्चित रूप में वो कितना भी उसके अच्छे क्वालिटी क्यों ना हो, इंटेंशन के अच्छे क्यों ना हो, वो कभी भी असली संतुष्टि खुद को प्राप्त नहीं कर सकता है, ना ही जिन लोगों के लिए वो कार्य करेगा, ना ही वो लोग संतुष्टि और शांति या सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि संसार में ज्यादातर 99% लोग तो लुटेरे हैं, इन द नेम ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी, यानी समाज सेवा के नाम पे या देश के राजा नेता बनने के नाम पे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और अपने स्वार्थ का पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक लोग होते भी हैं, 1% लोग हम बोल सकते हैं कलयुग में है भी, जो कि पूरा सच में वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे कुछ नेता होते भी हैं, 1-2% नेता होते हैं, पॉलिटिशियन में भी होते हैं कुछ ऐसे 1-2 नेता, या जो समाज सेवा करने वाले ऐसे कुछ 1-2 लोग होते हैं, 1-2% जो वास्तव में खुद से निस्वार्थ भाव से लोगों का हित करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो उनके पास गीता का ज्ञान नहीं होता है तो वो भौतिक स्तर पे रहते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर से संबंधित होने के कारण ही शरीर शारीरिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे ही लोगों का कल्याण करने के लिए तत्पर होते हैं। इस ये भ्रामक स्थिति में होने के कारण ये जो भौतिक स्तर है, मटेरियल प्लेटफॉर्म है या मटेरियल कॉन्सेप्शन जिसको बोलते हैं, जिसको शारीरिक चेतना बोला जाता है, तो ये जो शारीरिक चेतना है व्यक्ति को एक मोहग्रस्त स्थिति में खड़ा करता है। मोहग्रस्त मतलब इल्यूजरी प्लेटफॉर्म में खड़ा करता है, और इसीलिए वो हर प्रकार के उसके जो प्रयास होते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए वो सब विफल हो जाते हैं अंततः, और ना तो उसके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा भौतिक जो कल्याण होता है लोगों के लिए, ना वो उसको सेटिस्फाई कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है, ना ही सामने वाले जिसको वो कल्याण करना चाहता है उसको संतुष्ट कर पाता है। तो अर्जुन के इस टिपिकल एग्जाम्पल से, अर्जुन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत हो रहा है यहाँ से, कि अर्जुन देखिए, अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जब मोहग्रस्त था यानी भौतिक प्लेटफॉर्म में, मटेरियल प्लेटफॉर्म में था, देहात बुद्धि में था, शारीरिक चेतना में था, तब भी हमको शिक्षा मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है? कि अर्जुन जैसा महान व्यक्ति, महान धनुर्धर और सारे दिव्य गुणों से जो उसका हृदय भरा हुआ है, जो पूरी तरह से निस्वार्थ भावना में रह के लोगों को कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है, जिसको खुद को राज्य सुख भोगने का कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसा महान अर्जुन महान गुणों को धारण करने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ये आध्यात्मिक जीवन के बारे में शिक्षा ना होने के कारण, इस अज्ञानता में रहने के कारण, भौतिक देहात बुद्धि में रहने के कारण वो संतुष्ट नहीं हो पाया और कंफ्यूज हो जाता है। तो ये 5वां रीजन इस प्रकार से अर्जुन बोलता है, और इसके बाद जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे छठा रीजन बनता है, ये सब बोलने के बाद फाइनली अर्जुन क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो दिस इज द रिजल्ट, ये हम देख सकते हैं कि हम अगर भौतिक स्तर पे कार्य करेंगे तो हम अपनी तरफ से कितना भी अच्छा ही क्यों ना बनने का प्रयास करें, कितना भी हम सही उद्देश्य रखते हुए भी अपने लिए या दूसरों के लिए हम कार्य करने का क्यों ना प्रयास करें, एंड रिजल्ट होगा डिससेटिस्फेक्शन, अनहैप्पीनेस, डिस्टर्बेंसेस, दैट्स ऑल, कंफ्यूजन, दैट्स ऑल। यही बात जो है प्रभुपाद जी गांधी जी को लेटर में लिखे थे, 1948 क्या इर्द गिर्द लेटर लिखे थे, 49 में शायद, 49 में ही गांधी का तो डेथ हुआ था, मर्डर कर दिया गया था गांधी को। तो प्रभुपाद जी उसके कुछ महीने पहले ही उनको लेटर लिख के इस बात को बोलते हैं प्रभुपाद जी, कि आपने अपना पूरा जीवन दिया है जो है इस भारतवर्ष को सेवा करने के लिए, भारतवासियों को आजाद कराने के लिए, उनको जो है असली उनको शांति और सुख प्रदान करने के लिए। गांधी जी का एक ये उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम को एक करके शांति स्थापित करना है। लेकिन प्रभुपाद जी उस लेटर में क्लियर बताते हैं, क्योंकि भले ही आपके उद्देश्य कितने भी उचित क्यों ना रहें, उसमें कोई डाउट नहीं है, मान लेते हैं हम कि आपने आपको उद्देश्य बहुत अच्छा था, निस्वार्थ भाव से आप देश का समाज का सेवा करना चाहते थे, तत्पर थे आप, और आप गीता भी लेके रहते थे, गीता भी पढ़ते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आप किसी प्रमाणिक गुरु के संपर्क में ना आने के कारण आप गीता के असली संदेश को नहीं समझ पाए, और गीता को भी केवल भौतिक स्तर पे ही अप्लाई करने का आपने प्रयास किया, और उसका एंड रिजल्ट ये रहा कि ना तो आप संतुष्ट हैं और ना ही देश में आज ये जो आप चाहते थे शांति स्थापित हो वो हो पा रही है। और फिर फाइनल प्रभुपाद जी इस बात को मेंशन करते, क्योंकि उस समय ऐसे स्थिति था, गांधी जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे पॉलिटिकल, ये 1947 में ये अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया था, और गांधी जी के खुद के जो फॉलोअर्स थे वो आपस में लड़ने लग गए थे, और इसलिए गांधी जी बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे। तो उस वक्त प्रभुपाद जी ने लेटर लिख के उनको भेजा था, और फिर प्रभुपाद जी ने उनको ये एडवाइस दिया था, सुझाव दिया था, और बताया था सही मार्ग कि अभी भी समय है,
आप अपने आप को पॉलिटिकल सिनेरियो से पूरी तरह से रिटायर करिए और आप आइए गौड़ी मठ में और हमारे परम हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज के गाइडेंस में आके आप प्रमाणिक गुरु के गाइडेंस में आके आप गीता का असली संदेश समझिए और हम लोग मिल के पूरे विश्व में इस भगवत गीता को स्पिरिचुअल लेवल पे जब भक्ति योग के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार करेंगे तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांधी जी के पास इतना समय नहीं था या वो लेटर पढ़ नहीं पाए और प्रभुपाद जी ने फाइनल प्रिडिक्शन किया कि अगर आप इमीडिएटली रिटायर नहीं होते हैं तो निश्चित रूप में आपको एक जो है अनवांटेड डेथ को सामना करना पड़ेगा, यानी ऐसी ऐसी मृत्यु आपको प्राप्त होगी जो जो कि बहुत खराब है। इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति पूरा इंटेंशन रखता है अच्छा, लेकिन फिर भी वो फाइनली हताश ही हो जाता है क्योंकि भौतिक स्तर पे गीता के ज्ञान को चर्चा करते हैं। इसलिए यहाँ पे अर्जुन हाँ ये अर्जुन के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। इसमें एक और दो चीजें हैं जो हम लोग कल के सत्र में करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपने श्रवण किया। तो आप में से कई भक्तों का प्रश्न है, देखते हैं हम लोग एक दो प्रश्न ले पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रिया माता जी। प्रभु जी, आई हैव टू क्वेश्चंस। ओके, वन क्वेश्चन यस कि यहाँ पे अर्जुन बोल यस कृष्णा सेज दैट यू किल दिस टीचर्स, योर्स योर टीचर्स, इवन हाँ इफ दे आर सुपीरियर्स, बिकॉज दे हैव वायोलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ गुरु, राइट? आई मीन जो भी गुरु जैसे बिहेव धर्म। करना चाहिए, हाँ, गुरु का जो ओके रोल होना गुड चाहिए। तो क्वेश्चन। हमारे रियल लाइफ में वी मीट सो मेनी पीपल इन आवर क्लोज रिलेटिव्स, और इवन समटाइम्स आवर पेरेंट्स डोंट बिहेव द वे दे शुड बिहेव, दे डोंट हैव डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ व्हाट्स राइट एंड ओके रॉन्ग। ओके सो इन दैट केस हाउ वी शुड बिहेव टुवर्ड्स देम एंड ओके एट समझ व्हाट गया। पॉइंट वी शुड अबैंडन देम। ओके ओके वेरी नाइस गुड क्वेश्चन। और मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर ही रहा था लेकिन समय की पाबंदी के ज्यादा मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो प्रहलाद महाराज का बेस्ट एग्जांपल है जो मैं दे रहा था। तो अगर आप प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ेंगे भागवत के 7 कैंटो में कि प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार से बिहेवियर रखा, अपना बर्ताव रखा अपने पिता के प्रति, अपने सगे संबंधी और टीचर्स के प्रति, वैसा ही एग्जैक्टली डिवोटी को करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने एक तरफ तो अपने पिताजी को और सारे जो गुरुकुल के शुक्राचार्य के जो प्रतिनिधि थे, बच्चे उनके जो पुत्र थे, जो टीचर बने थे प्रहलाद महाराज के, उनका सबका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उनके द्वारा जो भगवान विष्णु के विरोध में, जो भी भक्ति के विरोध में जो भी संदेश दिया जाता था, आदेश दिया जाता था, उसका वो पालन नहीं करते थे। वो भगवान प्रहलाद महाराज अपने हृदय में नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के भगवान विष्णु का बराबर भक्ति करते थे और लेकिन इनको हिरण्यकश्यपु और गुरुकुल के टीचर को रिस्पेक्ट भी देते। तो उसी प्रकार से हम भी, हमारे कोई सुपीरियर है, पेरेंट्स है, रिलेटिव है जो कृष्ण भक्ति के विरोध में है, तो हम उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए हमको, लेकिन उनके बात को मानना नहीं चाहिए। अगर वो बोले कि आप चैंटिंग मत करो, मंदिर मत जाओ, कांदा लहसुन खाओ, तो ये बात हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन हम प्रेम से उनको मना कर सकते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा लेकिन मैं आपके प्रति पूरा सम्मान रखता हूँ। तो इस प्रकार से ये एक्चुअली धीरे धीरे हम जब भक्तों के संग करते हैं ये प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है वो केस टू केस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? लेकिन प्रिंसिपल ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो गांधी जी का एग्जाम्पल दिया आपने, उसमें जो लास्ट में आपने दो लाइंस बोली कि भौतिकता से वो कनेक्टेड थे, मतलब वो क्या रीजन था कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए गीता उसका से रीजन, तरह? हाँ उसका रीजन प्रभुपाद जी खुद बताते हैं, क्योंकि वो एक किसी प्रमाणिक गुरु के संपर्क में नहीं थे। तो यही कारण है कि भगवत गीता को कोई एज इट इज यथारूप कोई समझ सकता है जो किसी शुद्ध वैष्णव प्रमाणिक गुरु के संग में आके सीखता है। अगर अपने से कोई सीखने का कोशिश करेगा तो फिर अपना हमारा मन बुद्धि तो सब भौतिक है ना, तो उसको फंसा देगा। तो एक रीजन था। ओके, तो मेरे ख्याल से समय हो गया है।